नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक बैंक के पिछले कुछ दिनों के ये सेल हैं, और आज मैं जो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ आपके लिए वो क्लिक बैंक का ट्यूटोरियल है, जो कि बिगनर्स के लिए है, जिनको पूरा बेसिक नॉलेज आज मैं दूंगा कि कैसे क्लिक बैंक पर आपको साइन अप करना है, कैसे वहाँ से प्रोडक्ट्स निकालना है, कैसे कीवर्ड्स निकालना है और कैसे प्रमोट करना है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। और ये बहुत ही प्रोसेस बेस्ड ट्यूटोरियल है, ईच एंड एवरी स्टेप मैं इसमें बताऊंगा और आप सीखेंगे कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है और कैसे प्रमोट किया जाता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और पूरा स्टेप्स सीखें, कहीं भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन को अलग अलग बताऊंगा कि कैसे आप क्लिक बैंक में जाएंगे, कैसे साइन अप करेंगे और कैसे वहां से प्रोडक्ट्स लेंगे, कैसे कीवर्ड्स उस प्रोडक्ट्स का निकालेंगे, और कैसे आप फ्री वेबसाइट्स बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे और क्या वहाँ पे कीवर्ड टारगेट होना चाहिए और कैसे उसको प्रमोट करेंगे। तो ये सारा इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, तो आप पूरा वीडियो देखें और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको फिर से उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के लिए प्रोसेस जानना ज़रूरी है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उसका प्रोसेस जानना ज़रूरी है, और ऑनलाइन अर्निंग में आपको टाइम देना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा और आपको वर्क करना होगा, तभी आप ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। जितनी भी मैं तरीके बताता हूँ वहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, बट आपको पेशेंस के साथ वहाँ पे काम करना होगा। किसी भी काम को करने के लिए आपको टाइम देना होगा, तभी आप ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने साइन अप किया, आपने एक दिन काम किया और आपको अर्निंग होने लगेगी। आपको वहां पे हर दिन कुछ ना कुछ टाइम देना होगा, तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का थ्रू क्लिक बैंक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन चला है कि हमने मनी अर्निंग रिलेटेड कौन सा नया वीडियो डाला है, और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सीख सके कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, और हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें। तो हमारा मंत्रा क्या है? लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। जी हाँ, तो हमें यहाँ पे लर्न करना है और उस प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद अर्न करेंगे। तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं, देखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक क्लिकबैंक की वेबसाइट है। अगर आपने यहाँ पे लॉगिन नहीं बना रखा है तो आप साइन अप पे जाएंगे, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इसको साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और यहाँ पे आप कंटिन्यू टू टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे और ज्वाइन क्लिकबैंक कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको एज ए पब्लिशर, एज ए एफिलिएट वहां पे ज्वाइन करना है, और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। ये हमारा लॉगिन हो चुका और हम मार्केट प्लेस में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, और जो सबसे प्रूवन कैटेगरीज है जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। ये तीन जो नीश है, ये वर्ल्ड वाइड कभी भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी अर्निंग होगी, और ये कभी भी खत्म होने वाला नीश नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे नीश हैं जो कि एवरग्रीन नीश है, और उसमें से एक नीश आता है डॉग, डॉग ट्रेनिंग का। जी हाँ, डॉग जो है वो हर कंट्री में पॉपुलर है और हर जगह डॉग लोग रखते हैं और उसको ट्रेन करना चाहते हैं, तो डॉग ट्रेनिंग नीश जो है वो भी बहुत पॉपुलर है। तो आज हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ऊपर में डॉग टाइप कर देता हूँ, और जब ये प्रोडक्ट आएंगे तो आप उसको ग्रेविटी से सॉर्ट कर लें। ग्रेविटी मतलब कि इतने एफिलिएट्स ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके अर्न किया है, जो अर्निंग एफिलिएट्स हैं उनका नंबर है ये, मतलब कि 170 एफिलिएट्स इससे अर्न कर रहे हैं इस प्रोग्राम को प्रमोट करके। ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटी से सॉर्ट कर लेंगे और आप 50 प्लस ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहला आ रहा है, ब्रेन ट्रेनिंग फॉर डॉग्स, यूनिक डॉग ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज कन्वर्जन जो है वो $31.64 है, और इसमें कोई रिविल नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसको आपने प्रमोट किया, ये सेल हो गया, उसके बाद आपके पास रिविल नहीं होगा, आपके पास बार बार ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उस पर्सन के द्वारा परचेज नहीं किया जाएगा, आपको हमेशा एक नया कस्टमर इसके लिए ढूंढना होगा। वहीं पे अगर आप नीचे देखें तो डॉजी डांस ऑनलाइन डॉग ट्रेनिंग वीडियो मेंबरशिप फ्रॉम डॉग ट्रेनर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो कन्वर्जन है वो 86.69 है, वो बहुत बड़ी रकम है, और इसके अलावा आपको रिबिल होगा जो कि रिकरिंग है हर मंथ,
ये $27। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आप रीबिल कर सकते हैं, आपको बार बार हर महीने इसमें अर्निंग होगी। एक बार आपने अगर सेल कर दिया किसी कस्टमर को तो बार बार उसको परचेज करेगा हर मंथ, तो आपके पास पैसिव इनकम जनरेट करने का यहाँ पे ज्यादा अच्छा मौका है, तो आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इसके लिए अप्रूवल लेना होगा मर्चेंट से, तो इसको आप अप्रूवल लेंगे तभी प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो प्रमोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एफिलिएट लिंक चाहिए होगा। तो यहां से आप प्रमोट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एफिलिएट लिंक आ जाएगा। यहां पे आपको अकाउंट का निकनेम देना है और जनरेट हॉप लिंक करना है। ये जो हॉप लिंक है ये हमारा एफिलिएट लिंक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये जो लिंक है ये हमारा एफिलिएट लिंक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको नोटपैड में सेव कर लेंगे। अब एफिलिएट लिंक का क्या काम होता है, एफिलिएट लिंक जो होता है वो ट्रैकिंग लिंक है। जब भी कोई यूजर या कस्टमर इसको क्लिक करेगा वो उस मर्चेंट की वेबसाइट पर चला जाएगा और वहां से अगर वो परचेज करता है तो ये ट्रैक करेगा कि इस कस्टमर ने परचेज किया है और उसने हमारे एफिलिएट लिंक के द्वारा परचेज किया है, तो उसका जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एफिलिएट लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे सेल्स को ट्रैक करता है और हमें कमीशन अर्न करने में मदद करता है। तो आप इस एफिलिएट लिंक से कोई भी छेड़छाड़ ना करें और जहां भी इसको डालना हो वहां पे इसी तरह डालें। इसको आप शॉर्ट लिंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने एफिलिएट लिंक निकाल लिया, अब इसका एफिलिएट रिसोर्सेज भी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे एफिलिएट रिसोर्सेज लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एफिलिएट रिसोर्सेज आ जाएंगे, जहां पे कि आप देख सकते हैं प्रमोशनल वीडियोज है, कीवर्ड लिस्ट है, तो हम लोग कीवर्ड लिस्ट देख सकते हैं यहां से। लुक अलाइक ऑडियंस है, ये कीवर्ड लिस्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। और आप लुक अलाइक ऑडियंस देख सकते हैं, ये वैसे ऑडियंस है जो कि बिल्कुल मिलते जुलते ऑडियंस है जिन्होंने परचेज किया है। तो इसको अगर आप फेसबुक एड्स पे यूज करते हैं तो आपका कन्वर्जन अच्छा हो सकता है, तो ये अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। और इसके अलावा आप ईमेल स्वाइप्स है, अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है आप तो इसको यूज कर सकते हैं जिनके पास है। और जो फ्री गिव अवेज है, ये फ्री गिव अवे भी दे रहे हैं, तो आप फ्री गिव अवे के तरीके से भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। बट आज हम ये नहीं देखेंगे, आज हम ऑर्गेनिकली कैसे इसको प्रमोट करेंगे फ्री वेबसाइट्स के थ्रू या आपकी खुद की वेबसाइट के थ्रू, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने कीवर्ड लिस्ट निकाल लिया है और हमारे पास एफिलिएट लिंक आ चुका है, ये हमारा कीवर्ड लिस्ट है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सर्च करने हैं और ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत ही जेनरिक कीवर्ड्स है और इसको टारगेट करके हमें बहुत टाइम लगेगा इसमें रैंकिंग लाने में। तो चलिए सबसे पहले हम उसका लैंडिंग पेज भी देख लेते हैं कि क्या उसका लैंडिंग पेज है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारा लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। ये इसका लैंडिंग पेज है, डेवलप्स योर डॉग हिडन इंटेलिजेंस टू एलिमिनेट बैड बिहेवियर एंड क्रिएट द ओबीडिएंट वेल बिहेव्ड पेट ऑफ योर ड्रीम्स, ठीक है। और आप पूरा लैंडिंग पेज देखें कि इसमें क्या क्या इन्होंने डाल रखा है। अब इसमें क्या क्या इनका कैच है वो देखिए, योर डॉग डजंट लिसन टू यू, यू नीड टू ट्रेन योर न्यू पपी, योर डॉग वॉक्स अनकंट्रोलेबली, योर डॉग इज पुलिंग ऑन द लीश, योर डॉग इज एग्रेसिव, योर डॉग इज च्यूइंग थिंग्स ही शुडंट, योर डॉग इज डिगिंग ऑल द टाइम, योर डॉग इज जंपिंग। तो ये जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम है ये यहाँ पे इन्होंने डील किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पपी को देखते हैं कि पपी को कैसे ट्रेन किया जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं। तो आप wordtracker.com पे जा सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं wordtracker.com, वहां पे हम सर्च करते हैं पपी। अब देखिए पपी से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड आ गए, आप देख सकते हैं बीगल पपी, सीबा इनू पपी, स्नार्की पपी, तो ये सब उसके ब्रीड है पपी के, ठीक है। और जो ओनर्स होते हैं वो अपने ब्रीड के अनुसार ही सर्च करते हैं, वो पूरा जेनरिक पपी नहीं सर्च करते। तो हम लोग भी ब्रीड के अनुसार ही कीवर्ड टारगेट करेंगे ताकि हम आसानी से विजिटर्स को ला सके अपनी साइट पे और वहाँ पे सेल जनरेट कर सके। तो ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड दे सकते हैं, जर्मन शेफर्ड दे सकते हैं, गोल्डन रिट्रीवर दे सकते हैं जो कि बहुत पॉपुलर ब्रीड है। और एक बहुत पॉपुलर ब्रीड है वो है बुलडॉग, जी हाँ बुलडॉग को यूएसए में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं पपी ट्रेनिंग और देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड हमारे पास आते हैं।
तो पपी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो हैं पपी ट्रेनिंग, क्रिएट पपी, क्रिएट ट्रेनिंग पपी, क्रिएट ट्रेनिंग अ पपी, पपी ट्रेनिंग क्लासेस, पपी ट्रेनिंग नियर मी, पॉटी ट्रेनिंग अ पपी, पेट स्मार्ट पपी ट्रेनिंग। आप ये देख सकते हैं पपी ट्रेनिंग क्लासेस नियर मी, ये एक कीवर्ड हो सकता है। पपी ओबीडियंस ट्रेनिंग, ये एक कीवर्ड हो सकता है। पॉटी ट्रेनिंग अ स्टबर्न पपी, ये एक कीवर्ड हो सकता है। तो हम लोग जो आज ब्लॉग बनाएंगे फ्री वेबसाइट पे, वो इसी कीवर्ड से बनाएंगे, पॉटी ट्रेनिंग अ स्टबर्न पपी, और उस कीवर्ड को वहाँ पे टारगेट करेंगे। और उसके बाद उस ब्लॉग पे हम लोग इसी तरह का लॉन्ग कीवर्ड टारगेट करेंगे ब्रीड के साथ, ताकि हमारे पास जो विजिटर्स हैं वो आसानी से आ सकें और वहाँ पे हम सेल जनरेट कर सकें। तो हम आज जो वेबसाइट बनाएंगे वो साइट्स डॉट गूगल पे बनाएंगे। आप यहाँ पे सर्च कर लें साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। ये फ्री वेबसाइट यहाँ पे आप बना सकते हैं, और गूगल का ये डोमेन है तो आप इजीली यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेम्पलेट गैलरी में, ठीक है। टेम्पलेट गैलरी में हम चलते हैं, और यहाँ पे हमारा जो आज का टेम्पलेट होगा वो होगा डॉग वॉकर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन होता है तब तक हम बुलडॉग का फोटो ढूंढ लेते हैं। तो आप pixels.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं बुलडॉग। pixels.com एक फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट। तो हम सर्च करेंगे बुलडॉग, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे बुलडॉग के, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप साइट्स डॉट गूगल जो है वो रैंक करता है। आप यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया अनलोडेड गेम्स, आप देख सकते हैं साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ओके। तो इसी तरह ये आसानी से रैंक कर जाएगा। और आप मीडियम डॉट कॉम का भी यूज कर सकते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट है जो कि फ्री वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है, वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो आप मीडियम डॉट कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा टेम्पलेट ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं इमेज को सबसे पहले। तो चेंज इमेज, और सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं एक इमेज को। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं पिक्सेल्स, और इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज पे, ये आ जाएगा अपलोड। तो यहाँ से हम अपलोड कर देंगे अपना जो इमेज हमने डाउनलोड किया उसको, और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देंगे। तो इसका हम नेम दे देंगे बुलडॉग पपी ट्रेनिंग, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे कीवर्ड टारगेट किया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं बुल डॉग पपी ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं ताकि वो एक लाइन में आ जाए, ठीक है। आप इसका फॉन्ट छोटा कर सकते हैं अगर आप इसको एक लाइन में चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉन्ट छोटा कर दें, 36 कर देंगे, ये एक लाइन में आ गया। और हमारा जो कीवर्ड था वो था व्हेन टू स्टार्ट पॉटी ट्रेनिंग, हमारा कीवर्ड था पॉटी ट्रेनिंग अ स्टबर्न पपी, हमारा कीवर्ड था पॉटी ट्रेनिंग अ स्टबर्न पपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके बारे में लिखना होगा, इसको हम दे देते हैं पॉटी ट्रेनिंग अ स्टबर्न बुलडॉग, बुलडॉग क्योंकि हम पपी बुलडॉग के बारे में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बुलडॉग लिख देते हैं, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से लिखवा भी सकते हैं, किसी से लिखवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा कंटेंट लिख लेंगे, एक पैराग्राफ, और दो तीन पैराग्राफ आप लिख लें, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। इफ़ यू आर
नॉट फाइंडिंग एनी राइट सॉल्यूशन फॉर पॉटी ट्रेनिंग ऑफ योर स्टबर्न बुल डॉग पपी देन यू नीड टू सर्च देन यू डोंट नीड टू सर्च फर्दर वी आर हेयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बुलडॉग पपी ट्रेनिंग यू कैन ट्रेन योर बुलडॉग पपी। ये कीवर्ड हमें बुलडॉग पपी ट्रेनिंग यूज़ करना है क्योंकि इसी कीवर्ड पे हमें रैंक करना होगा और यहीं से हमारे पास ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक था, चलिए उसको देख लेते हैं। स्टबर्न पॉटी ट्रेनिंग पे आप देख सकते हैं कि 816 इतना ट्रैफिक विजिटर्स इस पे हैं, इतना सर्च है इस पे। तो ये अच्छा कीवर्ड है और इसे हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन ट्रेन योर बुलडॉग पपी फॉर, और वहाँ पे हमने उनका पेज देखा था वो क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर डॉग डजेंट लिसन यू जंपिंग, ये सारा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ सो फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी हैव अ सॉल्यूशन विथ बेस्ट डॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम यू कैन ईजली ट्रेन योर डॉग योर बेस्ट डॉग नॉट यहाँ पे हम लोग पपी कर देते हैं, पपी ट्रेनिंग प्रोग्राम ईजली ट्रेन योर स्टबर्न बुलडॉग पपी विद दिस अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, बेस्ट पपी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उस पे हम लिंक लगा देंगे, और लिंक लगाएंगे हम अपना जो एफिलिएट लिंक है उसको यहां पे डाल देंगे। अगर आप इसको शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिटली पे जा सकते हैं और वहाँ पे इसको शॉर्ट लिंक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, और इसका हम कलर भी चेंज कर दें ताकि लोग आसानी से, यहाँ पे इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी आएगा तो हमारे जो मर्चेंट का प्रोग्राम है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से बाई करेगा तो हमें कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमने कीवर्ड डाला है, जो टारगेट किया है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, और इसी तरह का कीवर्ड्स हमें टारगेट करना है। मैंने एक बताया आपको, आप ये साइट बनाएं और यहाँ पे हर दिन एक ब्लॉग पोस्ट लिखें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ, बुलडॉग के साथ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डाउन द लाइन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद जब ये साइट आपका गूगल के इंडेक्स में जाएगा तो ये रैंक करने लगेगा और आपके पास विजिटर्स आएंगे और आपका सेल जनरेट होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे डेली एक पोस्ट करना होगा, और कीवर्ड्स आपको जो मैंने बताया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ड आप हॉर्स ट्रेनिंग अ पपी इन 5 डेज, ठीक है, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और उसमें बुलडॉग ऐड कर दे तो लोग जब बुलडॉग के साथ सर्च करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर होते हैं, उनका जो ब्रांड होता है, उनका जो ब्रीड होता है, वो उसको लगा के ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो आप उसको कीवर्ड में बुलडॉग ऐड कर दें और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स लिखें, और आर्टिकल्स भी आप जो लिख रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए और आप अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। ये आप कहीं से लिखवा भी सकते हैं, अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप किसी से लिखवा लें और उसको यहाँ पे डालें, और यहाँ पे हर दिन डालें। तो ये आप ज़रूर करें और आप देखेंगे कि अच्छा खासा विजिटर आपके वेबसाइट पर आएगा, ये फ्री वेबसाइट पर आएगा और यहाँ से आप सेल जनरेट कर पाएंगे।
और यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल देता हूँ जो हमने डाउनलोड किया था, और यहाँ है इमेज, तो हमें इमेज अपलोड करना है, अपलोड, और वो सेम इमेज हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इमेज आ रहा है, और इसका लेआउट हम कहाँ रखना चाहते हैं इसको सेंटर कर देंगे। तो ये हमारा इमेज आ गया है, यहाँ पे डाल देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। आप जब पब्लिश करेंगे तो आपके पास ये देखिए, sites.google.com व्यू बुल डॉग पपी ट्रेनिंग, ये आपका यूआरएल आ गया है। ठीक है, आप कस्टम यूआरएल यही है आपका, इसको पब्लिश कर दें तो आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, वो पब्लिश हो जाएगी। तो हमने पब्लिश कर दिया और आपकी साइट तैयार हो गई और पब्लिश हो गई। तो चलिए हम पब्लिश साइट को देखते हैं, व्यू पब्लिश साइट, और यहाँ पे आप जब देखेंगे, देखिए ये हमारा पूरा साइट यहाँ पे आ चुका है जो मैंने क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमारा एफिलिएट लिंक भी है, आप देख सकते हैं, जो कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा, आप देख सकते हैं, रिडायरेक्टिंग टू जो हमारा ऑफर है, जो मर्चेंट साइट है वहाँ पे चला आया है, और यहाँ पे परचेज होगा तो हमें क्रेडिट होगा कमीशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो टाइटल है वो है बुलडॉग पपी ट्रेनिंग, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर दें, आप कर दें बुल डॉग पपी, बुलडॉग स्टबर्न पपी ट्रेनिंग। ठीक है, बुल डॉग पपी ट्रेनिंग पब्लिश पब्लिश। तो हमने वो टाइटल चेंज कर दिया और उसको पब्लिश कर दिया, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड था वो टाइटल में नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़रूरी है आना। तो अब हम जब रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ से हम लोग व्यू करते हैं पब्लिश साइट, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है टाइटल में वो आ रहा है, बुलडॉग पपी ट्रेनिंग। तो इस तरह आप साइट बना सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं, और वहाँ से उसको फिर हर दिन उस पर एक नया पोस्ट डालें। और नया पोस्ट आप कैसे डालेंगे, आप यहाँ से करेंगे पेजेस। ठीक है, होम पेज हो गया, और यहाँ से आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे नया पेज आप बना सकते हैं। नया पेज बनाएं और उसका टाइटल डालें और उसको वहाँ पे एक आर्टिकल लिखें नए कीवर्ड के साथ, और आपको डेली वहाँ पे डालना है एक नया पोस्ट, और इस तरह आप अपने साइट को बढ़ाएंगे और ऑर्गेनिकली वो रैंक करेगा और वहाँ से विजिटर्स आएगा और आप सेल्स जनरेट करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि मैंने पूरा प्रोसेस जो समझाया आपको समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी स्टेप, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है और जो बिगनर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप यकीन मानिए अगर आपने इस पे काम किया तो आप यहाँ से सेल्स जनरेट कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, बट आपको काम करना होगा। और दोस्तों मैं जो सारा तरीका बताता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग जीरो टू हीरो, जो कि प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ डिज़ाइन किया गया है, और आप जब उसको परचेज करेंगे तो आपको एक लॉगिन डिटेल मिलेगा, आप वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। और कोई दिक्कत आती है तो हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और हम लाइव आते हैं वीकली बेसिस पे, तो जब लाइव सेशन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं उस वीक में आपने जो भी पढ़ा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा डेमो क्लास जो है वो यूट्यूब पे लाइव आने वाला है, 5 डे वर्कशॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो आप हमारे साइट पे जाओ और डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब डेमो क्लास आए तो आप वहाँ पे लाइव आके पूरा पढ़ सकते हैं, 5 डे वर्कशॉप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप आज ही साइन अप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं बताऊँगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, बाय बाय।